मैं क्यों आपसे कहता हूँ वचन याद करो। अगर आपको अपने सुबह का ब्रेकफास्ट याद रहता है, लंच याद रहता है, डिनर याद रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर से बढ़कर जिसने आपको भला चंगा रखा है उसके। Praise the Lord। यहोशू छठा अध्याय उसकी 18 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग करना, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तुएं ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। ऐसी गलती करने से तुम इज़राइलियों को कष्ट में डाल दोगे। 19 आयत में लिखा है, सब चांदी सोना पात्र पीतल लोहे के वे यहोवा के लिए पवित्र हैं, उसी के भंडार में रखे जाएं। एक आयत और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसकी 9वीं आयत सुनिएगा। यहाँ लिखा है, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि आप कर्जे के युद्ध से जीतना चाहते हैं, यदि आप अपनी बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं, यदि आप अपने संकट, अपनी मुसीबत, अपनी रात के समय की नींद को आशीषित करना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने होंगे। पहला है, आपको कभी भी परमेश्वर के अंश पर लालच नहीं करना। कभी भी दशमांश हो या वो 5 मास हो या वो 12% हो, चाहे वो 15% हो या 20% हो, उसके ऊपर कभी भी आपको लालच नहीं करना। आपको मालूम है मैं या मेरी पत्नी ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि हमने कभी भी परमेश्वर का अंश चोरी नहीं किया, परमेश्वर को दिया बड़ा कर दिया। यही काम आपको करना है, थोड़े समय का लालच आपकी जान ले सकता है, थोड़े समय का लालच आपको कर्जे में डुबा सकता है, थोड़े समय का लालच आपको विपत्तियों में फंसा सकता है, थोड़े समय का लालच आपको लूसीफर के वश में कर सकता है, लेकिन हर समय की बेदारी, हर समय का परमेश्वर से प्यार करना आपको चंद सालों में ऊपर ऊंचाइयों पर सफलताओं में पहुंचा सकता है। बाइबल परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता, अर्पण की ही वस्तुओं को कभी भी चोरी ना करना। यदि आपने कह दिया कि परमेश्वर इस बॉक्स के अंदर मैं तेरे लिए, तेरे घर के लिए, तेरे भवन के लिए चंदा या दान या ऑफरिंग या डोनेशन इकट्ठा करता हूं या करती हूं, उसको निकाल कर उसमें से कुछ खाए ना, क्योंकि वो खुदा का है। कई बार हम परिस्थितियों में फंस जाते और कहते हैं, चल कोई नहीं, परमेश्वर भी अपना ही है, सब कुछ अपना है, चलो निकालो और इस्तेमाल करो। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि परमेश्वर ये आपका है और हम आपके हैंडओवर करते हैं, मेरा जो है वो आप मुझे देते रहे, मैंने अपना खाया भी है और अब आप मुझे जब ज्यादा जरूरत है तो मुझे और देंगे। आपको अर्पण की हुई वस्तु, जैसे कि
हन्ना ने अपने बेटे को अर्पण किया। हन्ना ने कहा, हे परमेश्वर, मैं बांझ हूं, मुझे जब बच्चा पैदा होगा तो मैं आपको अर्पण कर दूंगी। और बाइबल कहती है जैसे ही हन्ना की कोख में बच्चा आया, उसने लगातार बोलना शुरू किया, प्रभु ये मेरा नहीं ये तेरा है, ये मेरा नहीं ये तेरा है। और जब वो पैदा हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसी महिला देखी जिसके घर में बहुत साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ हो और उसने अपना बच्चा दान कर दिया हो? देखी, लेकिन हमें बाइबल दिखाती है, हमें बाइबल वो महिला दिखाती है, उसका नाम हन्ना है। हो सकता आप के घर में कोई बच्चा पैदा अभी हुआ नहीं और आप कहें मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को पायलट बनाऊंगा, मेरा बच्चा जैसे ही पैदा होगा या लड़की हो लड़का हो हम उसको एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हन्ना एक ऐसी औरत थी जिसने बच्चा होने से पहले कह दिया था मैं उसको सेवक बनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, अर्पण की हुई वस्तु, यदि आपने अर्पण, एक और अर्पण होता है जैसे कि सपोज आपने कहा कि परमेश्वर मैं सुबह के 3 बजे आपको दूंगी या दूंगा, तो आपने अर्पण कर दिया वो टाइम परमेश्वर को, उसको चोरी ना करे, परमेश्वर को दे। या फिर आपने कह दिया, ओ परमेश्वर मेरी अंगूठी गुम गई है, जैसे ही मिलेगी मैं उस अंगूठी को परमेश्वर तेरे चर्च में दे दूंगा। आपने अर्पण कर दिया उस बात को, और बहुत बार ऐसा हो जाता है अंगूठी मिलते ही हमारे विचार बदल जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु ये तो नहीं दूंगा, भारी है, थोड़ी सस्ती वाली दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सोने की तरफ नहीं देख रहा, लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करो कि हमें अर्पण, जो आपने अर्पण कर दिया, जो आपने कह दिया उसे कर दिखाएं। किसी व्यक्ति के मुंह से आपने कई बार सुना होगा कि देखो इसने मुझसे वायदा किया तो ये मुकर गया। आपने कई बार सुना होगा कि एक कुड़ी ने देखो साढ़े नाल वायदा किया सी पर ये मुकर गई। 99% लोग खुदा के साथ वायदा करते हैं और मुकर जाते हैं। आपको मालूम है ढेरों ढेरों लोग ऐसे हैं जो रोज फंसते हैं और कह देते हैं परमेश्वर आज बचा ले, कभी सिन नहीं करूंगा, आज बचा ले और मैं आपके जीवन के मुताबिक जीवन जीऊंगा, आपके वचन के मुताबिक जीवन जीऊंगा। जैसे खुदा बचाता है तुरंत फिर वही, वो फिर सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर लूसीफर की शक्तियां उन पर काम करती हैं, अंधकार उन पर राज्य करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर से कहते रहते हैं कि परमेश्वर बार बार आप कहते परमेश्वर अब बचा ले, परमेश्वर अब बचा ले, अब बचा ले, आप कह रहे हैं बार बार। जो लोग ऐसे कहते हैं मैं बताना चाहता हूं एक दिन वो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वायदा करते हैं थूक कर फिर चाटते नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हल पर हाथ रखते पीछे की ओर नहीं देखते, वो चंद सालों में आशीषित हो जाते हैं, उनको ज्यादा समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि परमेश्वर के सामने वायदा करने का मतलब है आशीषें प्राप्त करना। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, ना मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं। आपको आदमी मिला जिसने झूठ बोला, आपको आदमी मिला जो कहकर मुकर गया। क्यों मुकर गया? क्योंकि वो आदमी है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब आप कभी ऐसा आदमी देखें जो कहता है मुकरता नहीं है, झूठ नहीं बोलता, समझ जाइए वो दिखने में आदमी है लेकिन खुदा उसमें वास करता है। अकान और यहोशु की लोगों को यरीहो में आने से पहले
परमेश्वर ने यहोशू छठा अध्याय उसकी 18 आयत में कह दिया था कि अर्पण की वस्तुओं की ओर मन न लगाना, और व्यवस्था विवरण उसकी 23 अध्याय उसकी 9 आयत में कह दिया था परमेश्वर ने क्या, युद्ध से पहले अपने आप को पवित्र करना तो तुम जीत जाओगे। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब आप यहोशू, अगर आप यहोशू 7 अध्याय की 2 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यरीहो की बड़ी जय के बाद यहोशू ने ए नगर का भेद लेने के लिए पुरुषों को भेजा और वे ए नगर का भेद लेकर आ गए, वापस आ गए। जैसे वो भेद लेकर वापस आए 7:3 आयत में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पुरुषों ने लौट कर क्या कहा, यहोशू से कहा उस नगर को जीतने के लिए थोड़े ही लोग बहुत हैं, ज्यादा लोग जाने की जरूरत नहीं है यहोशू, हम तो यूं जीत लेंगे उसको, वो तो कुछ भी नहीं है। किस किस को सुनाई दे रहा, वो कुछ भी नहीं थे, वो ताकतवर नहीं थे, वो हिम्मतवार लोग नहीं थे, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसराइलियों के 3,000 लोगों को पछाड़ सके। उन्होंने कहा दो या तीन हजार लोग भी ए नगर में जाएंगे, उन पर जय प्राप्त कर लेंगे। और यहोशू ने कहा वाओ कितनी बड़ी बात है। यहोशू ने बोला परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, मैंने 2 भेदियों को भेजा पर वो पॉजिटिव निकले। उन 2 भेदियों ने आकर ये नहीं कहा ना 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 हम वहां जीत नहीं सकते, वो लोग तो बहुत खूंखार हैं, डरावने हैं, उनकी शक्लें भयंकर हैं, ऐसा कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने, ज्यादा लोग वहां भेजने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों से ए नगर जीत लिया जाएगा? हाँ जी, उन्होंने बोला था 2 या 3, लेकिन कितने हजार लोग यहोशू ने भेजे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 3,000 लोग यहोशू ने ए नगर को जीतने के लिए भेजे। लेकिन हुआ क्या, क्या वो जीत पाए? क्यों नहीं जीत पाए? 2 या 3,000 लोग भेजे थे, 2 या 3,000 लोग भेजे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है बताने वाले बहुत ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमें ज्यादा लोग जाने की जरूरत नहीं है यहोशू, हम सारे लोग जाएं कोई जरूरत नहीं है, 2 या 3,000 लोग जाएंगे पछाड़ के रख देंगे, वो तो कुछ भी नहीं है, मच्छर और मक्खियों की तरह हैं, मसल देंगे हम उन्हें। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता 2 व्यक्ति आए और आकर कहते हैं हम इन विपत्तियों को जीत लेंगे, हम इन परीक्षाओं पर विजयी हो जाएंगे। यहोशू डरने की बात नहीं है। शायद आपको याद होगा जिस वक्त मोसेस ने 12 लोग भेजे थे तब भी 2 ही व्यक्ति पॉजिटिव थे। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 7:4-5 आयत में लिखा है ए नगर के रहने वालों ने इसराइलियों को हरा डाला, मारा। 3,000 लोग गए थे, कितने? 3,000 लोग गए थे और कितने लोग उनके मारे? मात्र 36 लोग मारे। कितने? आपको मालूम है जो 36 लोग मारे थे 36 के 36 नेगेटिव थे, मात्र 36 लोगों को उन्होंने मारा। और 36 लोग मारे गए, 2,000 कितने? 2,964 लोग बचाए गए, 2,964 लोग जिंदा वापस आए। सुनिए ध्यान से, 2,964 लोग वापस आए। वाय, क्यों वो और लोगों को मार नहीं पाए? क्योंकि जबकि वो हावी हो गए थे, सबको मार सकते थे, क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं 2,964 लोग थोड़े बहुत चाहे कितने भी थे वो पॉजिटिव थे। यदि आप जीना चाहते हैं तो पॉजिटिव हो जाएं। बहुत से लोग शरीर से अपाहिज होते हैं। मैंने क्या बोला?
वेरी गुड। बहुत से लोग शरीर से अपाहिज होते हैं लेकिन ब्रेन से अपाहिज नहीं होते। बहुत से लोग ब्रेन से अपाहिज होते हैं, शरीर से अपाहिज नहीं होते। आपके पास हाथ हैं, आपके पास पैर हैं, आपके पास आंखें हैं, आपके पास कान हैं, आप अपने किराया खर्च कर, परमेश्वर ने आपको कमाने की ताकत दी है, परमेश्वर ने आपको स्टैंडर्ड रखने की ताकत दी है, परमेश्वर ने आपको गाड़ी या बाइक या साइकिल खरीदने की ताकत दी है, और आप रुपया खर्च कर, अपने पांव पर चल कर, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर यहां आ सकते हैं। लेकिन उन्हें देखिए जो अपाहिज हैं, वो चल नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी अपने ब्रेन से अपाहिज नहीं हैं, और वे फिर भी यहां आने के लिए आपसे ज्यादा तड़पते हैं। आज मेरा सवाल है आपसे, आप चलते फिरते अपाहिज हैं? बहुत से लोग केवल चलते हैं फिरते हैं। मैं क्यों आपसे कहता हूं, वचन याद करो। अगर आपको अपने सुबह का ब्रेकफास्ट याद रहता है, लंच याद रहता है, डिनर याद रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर से बढ़कर जिसने आपको भला चंगा रखा है उसके वचनों को याद करो। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि वो लोग मारे गए, इजरायली वहां पर हार गए, जबकि वो शूरवीर थे, ताकतवर थे। पर सवाल खड़ा होता है, जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुम उन्हें मार दोगे, जब वो दो लोगों ने कह दिया कि हम उन्हें झटके में मार देंगे, फिर 3,000 लोग वहां से हार कर वापस क्यों लौटे? जब उन दो व्यक्तियों ने बोल दिया, यहोशू हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम इनको हरा कर ही वापस लौटेंगे, तो फिर वो हारे क्यों? क्या किसी को मालूम है क्यों हारे? ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काफी लोगों को पता है, आमेन। लेकिन बाकियों को, जिनको नहीं पता, उन्हें मैं बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा, यहोशू 7वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 12 आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यहोशू ने परमेश्वर की दोहाई दी। क्यों दोहाई? दोहाई का मतलब आराधना की। दोहाई एक और शब्द है ऊंचाई, ऊंचे आवाज में। दोहाई का मतलब होता है रोना, बिलकना, हे परमेश्वर ये क्या हो गया, इसको बोलते दोहाई। हे परमेश्वर हम तो उन पर जीतने वाले थे, हम हार कैसे गए, इसको बोलते दोहाई। चिल्लाते हुए अपनी बात को बयान करने को बोलते हैं दोहाई। दो चीजों को दोहाई बोलते हैं, एक होता है आप चिल्ला रहे हैं, एक होता है आप रोते हुए चिल्ला रहे हैं, दोनों ही दोहाई है। समझ पा रहे हैं? आजकल कुछ लोग जो न्यू जनरेशन है, उनको जब जॉब नहीं मिल रही तो वो कपड़े उतार कर, निर्वस्त्र होकर रोड पर उतर आए हैं और अपनी दोहाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही यहोशू ने किया, उसने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए, और बाइबल कहती है जितने वृद्ध लोग थे, जितने ओल्ड लोग थे, बूढ़े लोग थे, वो सारे लोग, बूढ़े मतलब जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, जो यहोशू के साथ रहते थे लोग, आजकल तो बूढ़े लोग भी खुदा के लोगों के साथ नहीं रहते, वो भी कहते हैं पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। लेकिन बाइबल कहती है उस समय में जो वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो खुदा के दासों के साथ रहते थे, और बाइबल कहती है कि वो लोगों ने घुटने टेक लिए, जैसे यहोशू ने अपने सिर को नीचे किया हुआ था। वो कैसे लेट हुआ था मैं बताना चाहता हूं। यहोशू कुछ इस तरीके से लेटा हुआ था, यहोशू का सिर जमीन पर था और उसने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए थे
और वो परमेश्वर के सामने ऐसे यूं लेटा हुआ था। आपको मालूम है उस समय में लोग जो संदूक होता था जिसके अंदर 10 आज्ञाएं रखी हुई थी, उस समय लोग इस तरीके से उस संदूक के सामने लेट जाते थे, अपने आप को पनिश करते थे। बहुत टफ है कभी लेट कर देखना, अपनी गर्दन को ऐसे रखना और ऐसे लेट कर देखना, बहुत टफ है, आप लेट नहीं सकते। आप सीधे तो घंटों लेट जाएंगे लेकिन उल्टे आप घंटों नहीं लेट सकते। और बाइबल कहती है यहोशू घंटों लेटा रहा और उसके साथ ओल्ड लोग भी लेटे रहे। जवान व्यक्ति था यहोशू, लेट सकता था, लेकिन ओल्ड लोग कैसे लेट सकते थे? और वो लेटे रहे। बाइबल कहती है उस जगह परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आकर यहोशू से कहा, उठ, तू क्यों औंधे मुंह कर कर लेटा हुआ है? तू क्यों पश्चाताप करता है? क्योंकि पाप तो इज़राइलियों ने किया है। सुनाई दिया? पाप एक व्यक्ति ने किया था लेकिन बदनाम इज़राइली हो रहे थे। किस किस को सुनाई दिया? परमेश्वर ने एक व्यक्ति का नाम लिया या सबका? सबका। परमेश्वर ने बोला उठ जा, पाप इज़राइलियों ने किया है। इज़राइलियों में वो सारे थे जो नहीं गए थे, वो भी थे जो बचकर आए थे, वो भी थे। सजा उनको मिलेगी जिन्होंने गुनाह किया, तुझे नहीं। पर यहोशू परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाने लगा और परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु उन्हें बख्श दे, उन्हें सजा ना दे, लेकिन मुझे ये बता हम जीतेंगे कैसे? मुझे ये बता कि हम ए नगर को जीतना चाहते, आपने हमसे वायदा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं ए नगर को तुम्हें दे दूंगा, मैंने वाचा बांधी है, आप कैसे हमें जितवाएंगे? आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में एक पार्टी, एक ग्रुप है जो चोर है। सुनाई दिया? तुम्हारे बीच में एक ग्रुप बन चुका है और वो ग्रुप मुझसे नहीं डरता, मेरी आंखों के सामने पाप करता है, ऑफरिंग से चोरी करता है, भेंट चुराता है। परमेश्वर कहता है उस ग्रुप को अपने से अलग कर दो। किस किस को सुनाई दे रहा है? उस ग्रुप को अपने से अलग कर दो तो तुम जीत जाओगे। यहोशू 7वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 12 आयत तक उसने दुहाई दी। यहोशू 7वां अध्याय उसकी 6-9 में परमेश्वर के सामने वो रोया, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने, वो उसने लड़खड़ाती आवाज में उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे बताया कि तू कैसे जीतेगा। हालेलुया। उसने कहा तू इन्हें अलग कर दे, इनसे अलग हो जा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों मुंह के बल गिरा हुआ है? इज़राइलियों ने पाप किया है, मैं तरीका बताऊंगा पाप को खत्म करने का। याद रखिएगा, यदि आपसे पाप हो जाता है और आप पाप से बच नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर आपको तरीका बताएगा पाप से बचने का।